आप लोग रुकिए भाई, एक माता एक पिता को उनके सर को और समाज में मेडलिस्ट होते हैं उनके में एक्स्ट्रा पावर होता है, एक्स्ट्रा यूनिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं। गोल्ड मेडल आपको कैसे मिल गया? बस अल्लाह ताला की दुआएं और मेरी दुआएं, मम्मी पापा की दुआएं और मेरी मेहनत की सफलता का श्रेय। तो ये अलग अलग क्षेत्रों और कम्पिटिशन में तो आपको मिला होगा जी, इसके एज अ पिलर मेरे साथ रही जो हमेशा कुछ करती थी मुझे कि तुमको अगर मैं कुछ अगर कॉल करेगी कि हाँ क्या कर रही हो, अगर जाने की नहीं पड़ रही हो तो इसी पे गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, मतलब वो हमेशा मुझे पुश करती रहती थी। क्या करते हैं दीदी आप? मेरी दीदी जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों अभी देख रहे हैं हमारी जो उपस्थिति है गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई है और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 41वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है गोल्ड मेडल दे करके। गोल्ड मेडल पाने के बाद छात्रों के अंदर एक उत्साह सी छा जाती है जब वे गोल्ड मेडल पाते हैं। तो बहुत से छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी सफलता के पीछे कितनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम मेधावी छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? अनामिका द्विवेदी। अनामिका जी, आपका परसेंटेज कितना है? 83%। अच्छा 83% है। सब्जेक्ट कौन सा था? MSc जूलॉजी। अच्छा, तो ये बताइए इस सफलता के पीछे आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और आप गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता। अच्छा एक नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके पास 5 गोल्ड मेडल हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे कि एक छात्र के पास एक नहीं, दो चार 5 मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी तब जाके इन्हें ये मेडल प्राप्त हुआ है। आपके माता पिता और किन्हें देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो द सुप्रीम पावर कृष्णा, मेरा बहुत विश्वास है उनमें। उसके बाद मेरे माता पिता, उनके सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल नहीं था। और मेरे टीचर्स, मैंने अपना मास्टर्स सेंट एंड्रयूज कॉलेज PG कॉलेज से सेंट एंड्रयूज कॉलेज से किया है। वहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं सारे वो पिलर सर, मुझे लगता है मेडल के हकदार मुझसे ज़्यादा वो लोग हैं क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम श्वेता प्रजापति है, मैं MSc इन्वायरमेंटल साइंस में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने परसेंटेज आपके थे? जी मेरा 79.50% था। अच्छा, ठीक है। और CGPA 8.24। ये जो आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है और ये जो उपाधि मिली हुई है, इसे श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं सबसे पहले तो अपने गॉड इष्ट को देना चाहूँगी, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल बन पाई हूँ कि एक, और ये जो गोल्ड मेडल है ये स्टूडेंट लाइफ का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, तो इसका पूरा मतलब मोस्टली क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब एक छात्र शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के गोल्ड मेडल को हासिल करते हैं तो ये विश्वविद्यालय को ही गौरवान्वित नहीं करता है, ये एक माता एक पिता को, उनके सर को और समाज में ऊंचा करने का ये काम करता है। तो हम चाहेंगे कि इनके पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, थोड़ा सा आ जाएं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी को गोल्ड मेडल दिया गया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी कम से कम विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल लिस्ट में उसका नाम आया है। ये कहीं ना कहीं माता पिता को एक गौरवान्वित और एक अपने बच्चे के प्रति विश्वास को जगाता है कि हमारी बच्ची समाज में कुछ कर सकती है। उनके पिता भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी परिश्रम करते हैं, शुरू से लगी रहती है कि हम अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, देश और समाज का नाम रोशन करें। समाज में ऐसा देखा जाता है कि बच्चियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आप बच्ची को पढ़ा रहे हैं, यही बहुत ही बड़ी बात है। और क्या कहना चाहेंगे कि बेटी को क्या बनाना चाहेंगे आप भविष्य में? बेटी को IAS अफसर बनाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रही है उच्च शिक्षा के माध्यम से।
वो तो दिखाई दे रहा है कि वो एक विश्वविद्यालय में, जहां मैं बताना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए बच्चों को एक इंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। इंट्रेंस एग्जाम को जब वो पास कर लेते हैं, एक कठिन परीक्षा होती है, जब वो इसे पास करते हैं उसके बाद से जा करके कई मेधावी छात्रों में ये इस मेडल को हासिल करते हैं। क्या कहना चाहेंगी और जो दर्शक देख रहे हैं और जो छात्राएं देख रही हैं, उनको क्या सीखना चाहिए आपसे? सर, गोल्ड मेडल जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट का एक सबसे बेस्ट अचीवमेंट होता है, तो इसके लिए जो अगर प्रॉपर स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहा अपनी स्टडीज़ को लेके, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दैट। तो चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हमारी टीम की तरफ से। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम साजिया खातून है, मैं भूगोल विषय से मैंने एमए किया है और मेरी सफलता का श्रेय मैं अपने अल्लाह ताला को, अपने मम्मी पापा, अपने भाई, अपनी पूरी फैमिली, ये मैं अपने गुरुजन को देना चाहूँगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि इनके गले में एक नहीं तीन तीन गोल्ड मेडल है, तो कैसे, मतलब ये तीन गोल्ड मेडल आपको कैसे मिल गया भाई? बस अल्लाह ताला की दुआएं और मेरी दुआएं, मम्मी पापा की दुआएं और मेरी मेहनत की इस सफलता का श्रेय। तो ये अलग अलग क्षेत्रों और कंपटीशन में तो आपको मिला होगा? जी, इसके इस हाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, मतलब हाँ। के मतलब तो ये तीन सब तीन कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा आपका? हमारे तीन सब्जेक्ट नहीं, मतलब अच्छा। ये किसी सब्जेक्ट को विशेष रूप से लेके उसमें से तीन हमारे गोल्ड मेडल ये मिले। अच्छा। हमारे हर सेमेस्टर वाइज हमारे एग्जाम होते थे, जिसमें से हर सेमेस्टर में हमारे पाँच विषय होते थे, तो कुल हमारे चार सेमेस्टर थे जिसमें हमारे पाँच विषय, तो कुल 20 विषय हमने पढ़े हैं, मैंने एमए में पढ़े। तो इसे किसे श्रेय देना चाहेंगी? आपने तीन तीन गोल्ड मेडल हासिल किया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक छात्र को जब तीन गोल्ड मेडल मिलते हैं तो वे कहीं ना कहीं उनके माता पिता और उनको उनका खुद का मान सम्मान समाज में और भी ऊंचा हो जाता है। किसे श्रेय देना चाहेंगी? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी फैमिली, अपने गुरुजन, सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि सबका बराबर का योगदान रहा है इस बड़ी भूमिका को मुझे पाने में। अच्छा, ये बताइए, हमारे जो युवा छात्र हैं उन्हें थोड़ा ये बताइए कि वे कैसे इस गोल्ड मेडल को हासिल करें, कितनी पढ़ाई करने के बाद आपने इसे हासिल किया? मैं सबसे पहले तो उन्हें बोलूँगी कि वो रेगुलर रहें, हर क्लास को अटेंड करें, क्लास को पूरी तरह से अच्छे से अटेंड करें, क्लास के नोट्स बनाएं और अपना बेसिक जो भी चीज़ है, अपनी बुक को मतलब अपनी खुद के नोट्स को ही पढ़ें, टीचर जो पढ़ाए, फिर अपना हर चीज़ को, मैंने हर तरफ से मैं पढ़ाई करती थी, मैं क्या करती थी कि मैं टीचर फिर बुक का फिर सब कुछ मिक्सअप करके मैं अपना नोट्स बनाती थी, मैं उस नोट से मैं अपने एग्ज़ाम को दी और मैं इस सफलता को हासिल की। तो कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब यही है कि आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप दो घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपको दो घंटे पढ़ने होंगे, तीन घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपको तीन घंटे पढ़ाई करने होंगे। एक और छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनके साथ हम बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? शाइस्ता परवीन। शाइस्ता जी, ये बताइए, इस गोल्ड मेडल के पीछे किसका श्रेय, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप? ये यूँ तो सब कोई कहते हैं कि मैं अपना श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, अपने गुरुजनों को, लेकिन मेरी दीदी जो है वो हमेशा एज अ पिलर मेरे साथ रही, जो हमेशा पुश करती थी मुझे कि तुमको अगर मैं कुछ अगर कॉल करेगी कि हाँ क्या कर रही हो, अगर जानेगी कि नहीं पढ़ रही हो तो इसी पे गोल्ड मेडल लेके आओगी, मतलब वो हमेशा मुझे पुश करती रहती थी। क्या करते हैं दीदी आपकी? मेरी दीदी हाउसवाइफ है। अच्छा, हाउसवाइफ होते हुए भी आपको गाइड करती रहती हैं। सोचती थी कि जो मुझे नहीं मिला है वो तुमको मिलना चाहिए। तो आपके भी गले में दो, कहीं ना कहीं दो गोल्ड मेडल है, यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी इस गोल्ड मेडल के पीछे। मेडलिस्ट होते हैं उनके में एक्स्ट्रा पावर होता है, एक्स्ट्रा यूनिटी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम अगर 104 छात्राएं हैं तो उनमें से हम एक ही होते हैं, लेकिन हमें बस ये करना है कि हम उन लोगों से कैसे अलग पढ़ें, कि अब जैसे सारे बच्चे होते हैं, जैसे क्लास में नोट्स बनाया जाता है वैसे एग्ज़ाम में लेके चले आते हैं, लेकिन हमारा कुछ ऐसा होता है कि हमें बुक्स का, मैम के नोट्स का कुछ अपने तरीके से डायग्राम बना के कुछ अलग से प्रेजेंट करना होता है। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से पीजी था आपका? यस। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान न्यूज चैनल की तरफ से। तो आप सुन रहे थे, ये जो छात्र हैं वे काफ़ी संघर्ष करने के बाद इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और तो आपने देखा कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी हम थे और तमाम छात्र अभी हमारे साथ रूबरू हो रहे थे। आप क्या क्या कहना है इन छात्रों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।